हाइपरलिपिडीमिया क्या है और इस हाइपरलिपिडीमिया को हम कितने वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आखिर यह हाइपरलिपिडीमिया है क्या। जब खाली पेट में रक्त सीरम के एक या एक से अधिक लिपिडों का स्तर बढ़ा हुआ हो तो ऐसी स्थिति को हाइपरलिपिडीमिया कहते हैं। व्यवहारिक तौर पर इस स्थिति का मूल्यांकन रक्त सीरम में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 250 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर या इससे भी ज़्यादा हो जाती है तो इसे हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया कहते हैं, जबकि रक्त सीरम में ट्राइग्लिसराइड स्तर 150 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर या इससे ज़्यादा हो जाता है तो इसे हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया कहते हैं। इनके स्तरों को माप कर ही इनका हाइपरलिपिडीमिया का मूल्यांकन किया जा सकता है। हाइपरलिपिडीमिया को हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, जिनमें पहला है प्राइमरी हाइपरलिपिडीमिया तो दूसरा है सेकेंडरी हाइपरलिपिडीमिया। तो अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्राइमरी हाइपरलिपिडीमिया की और उसके बाद चर्चा करेंगे सेकेंडरी हाइपरलिपिडीमिया की। तो बात करते हैं प्राइमरी हाइपरलिपिडीमिया यानी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने का कारण अज्ञात है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया गया है कि शायद यह लिपिड मेटाबॉलिज्म में हुए किन्हीं आनुवंशिक दोष के कारण होती है, यानी किन्हीं विशेष परिवारों में जन्मे कुछ व्यक्तियों में यह रोग उन्हें अपनी पीढ़ियों से विरासत के रूप में मिलता है। कहने का तात्पर्य सिर्फ यह है कि यदि माता पिता इस रोग से मुक्त हों तो उनकी संतान में इस रोग के होने की संभावना भी कम होती है, परंतु ऐसा देखा भी गया है कि यदि माता और पिता दोनों इस रोग से पीड़ित हैं तो उनकी संतानों में इस रोग के होने की संभावना सामान्यतः अधिक रहती है। इसके अतिरिक्त प्राइमरी हाइपरलिपिडीमिया के कुछ बाहरी फैक्टर भी हैं, जैसे पहला हम मान सकते हैं हमारे खान पान को। हमें अच्छी तरह से यह ज्ञात है कि फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, समोसा इत्यादि जैसे खाद्य पदार्थों के काफ़ी माइनस पॉइंट्स होते हैं, मसलन ये उच्च कैलोरी और फैट से भरपूर होते हैं। इनमें मौजूद फैट्स जो सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स होते हैं हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होते हैं। इतना ही नहीं, शोधों से यह भी ज्ञात हो चुका है कि जब इन फैट्स को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो इनसे कुछ ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं। इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से ये हमारी कोशिकाओं के डीएनए और प्रोटीन्स को तो नुकसान पहुँचाते ही हैं, साथ में ब्लड वेसल्स को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। और तो और ये एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल तथा ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाते हैं तथा इसके विपरीत एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं। इसी प्रकार से केक, बिस्कुट, पेस्ट्री, मिठाइयाँ, जैम, अचार, चॉकलेट इत्यादि का ज़्यादा सेवन करने से भी कोलेस्ट्रॉल व ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लग जाते हैं। तो दूसरा कारण हम मान सकते हैं व्यसन करना यानी ड्रग एडिक्शन होना। ऐसा देखने में आया कि धूम्रपान, शराब इत्यादि किसी भी प्रकार का व्यसन करने से भी कोलेस्ट्रॉल व ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने यानी हाइपरलिपिडीमिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नियमित और लंबे समय तक धूम्रपान करने से भी शरीर में मौजूद पौष्टिक तत्व जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और बीटा कैरोटीन नष्ट हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से अल्कोहल के मेटाबॉलिज्म के बाद भी शरीर में कुछ ऐसे विषैले तत्वों का निर्माण होता है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं और टिश्यूज को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। साथ ही में थायमिन की भी कमी हो जाती है। इन सभी कारणोंवश रक्त में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो तीसरा कारण हम मान सकते हैं हमारे मानसिक असंतुलन का होना। मानसिक असंतुलन तो प्राय प्रत्येक रोग का मूल कारण है,
रक्त में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने में मानसिक असंतुलन बहुत बड़ा कारण है। क्यों? क्योंकि मन का हमारे शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे व्यक्ति जो विवेक और व्यवहार को असंतुलित कर जीवन में दुख, निराशा और असफलताओं को लाते हैं, विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक तनाव से मुक्त नहीं रह पाते हो, तो वे इस रोग को आमंत्रित करते हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को बढ़ावा देने में ये सहायक होते हैं। इसी प्रकार से हाइपरलिपिडीमिया होने का चौथा कारण हम मान सकते हैं वह दवाइयों का अंधाधुंध प्रयोग करना, जिसके दुष्प्रभाव होने से भी रक्त में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का स्तर बढ़ने लग जाता है। जैसे आजकल महिलाओं द्वारा खाई जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां, जो कि हमारे मासिक चक्र और रजोनिवृत्ति पूर्व होने वाले हार्मोन के चढ़ाव उतराव को आमतौर पर कंट्रोल में रखती है। एस्ट्रोजन उपचार पद्धति जो रजोनिवृत्ति के दौरान आने वाले हॉट फ्लैशेस यानी गर्मी के दौरों को कम करती है, इनका सेवन करने से भी इस प्रकार की स्थिति बन जाती है। ठीक इसी प्रकार से डायूरेटिक यानी मूत्रवर्धक दवाओं, कोर्टिकोस्टेरॉइड, एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स, बीटा ब्लॉकर ड्रग्स इत्यादि का सेवन करने से भी रक्त में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का स्तर बढ़ने लग जाता है, क्योंकि इन दवाओं के साइड इफेक्ट्स होने से हमारा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाता है, यानी हमारी चयापचय क्रिया असंतुलित हो जाती है, जिससे ऐसी स्थिति बनने लग जाती है। तो इस प्रकार से ये थे प्राइमरी हाइपरलिपिडीमिया होने के कुछ प्रमुख कारण, और अब हम इसी प्रकार से चर्चा करेंगे सेकेंडरी हाइपरलिपिडीमिया के फैक्टर की। यह हाइपरलिपिडीमिया शारीरिक रोगों के कारण होने वाली स्थिति होती है। हम अच्छी तरह जान चुके हैं कि हमारे शरीर में होने वाली कोई भी हलचल हमारे मन पर प्रभाव डालती है, तो उसी प्रकार से मानसिक गतिविधियों का असर हमारे शारीरिक क्रियाकलापों को भी अवश्य प्रभावित करता है। इसलिए शरीर में होने वाले अनेक रोग ऐसे हैं जो अपने साथ या स्वयं ठीक होने पर अथवा उनके कॉम्प्लिकेशंस उपद्रवों के रूप में हाइपरलिपिडीमिया जैसे अनेक रोगों को उत्पन्न करने का कारण भी बनते हैं, जैसे कि मधुमेह, मोटापा, हाइपोथायरायडिज्म, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जॉन्डिस, लीवर सिरोसिस, गाउट, मल्टीपल माइलोमा, गर्भावस्था के दौरान पैनक्रियाशोथ के कारण। इसी प्रकार से और भी कई अन्य रोग हैं जो हाइपरलिपिडीमिया होने का कारण बनते हैं। इन सभी ज्ञात कारण के अलावा वैसे और भी कई अज्ञात कारण हैं जिनकी वजह से रक्त में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का स्तर बढ़ने लग जाता है, यानी हाइपरलिपिडीमिया की स्थिति बनने लग जाती है। अब इससे आगे की चर्चा मैं आपसे इसी के पार्ट 5 में करूँगा। तब तक आप इसी तरह से हमारे साथ ही बने रहिएगा, कहीं पर भी न जाइएगा। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।